कही अन कही बातें। शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। आज हमने अपना फर्स्ट व्लॉग शूट किया है, होप आपको पसंद आएगा। आज हमने अपना फर्स्ट व्लॉग पुराना किला से शूट किया है। पुराना किला जो मथुरा रोड चिड़ियाघर के पास दिल्ली में है, ये किला बेहद खूबसूरत है। ये किला आपको इतिहास में ले जाता है। इस किले की बनावट लाल बलुआ पत्थर से की गई है। इसकी बाहरी दीवारें 18 मीटर ऊंची है और 1.5 किलोमीटर से अधिक मोटी है। इस किले में तीन बड़े दरवाजे हैं, 12 दरवाजा, हुमायूं का द्वार, तलाकी दरवाजा। ये किला दरअसल दरवाजों की वजह से बहुत फेमस है। आज हम आपको 5 मिनट के अंदर पूरे पुराने किले के दर्शन कराएंगे। जी हाँ, और हम आपको पुराने किले के रहस्य के बारे में भी बताएंगे और इसके इतिहास के बारे में। होप यू ऑल विल लाइक इट। तो चलिए शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। दिल्ली के सभी किलों में सबसे पुराना होने के साथ साथ यह दिल्ली की सभी संरचनाओं में भी सबसे पुराना है। यह इंद्रप्रस्थ नामक स्थान पर स्थित है, जो एक विख्यात शहर था। किले के तीन बड़े द्वार हैं तथा इसकी विशाल दीवारें हैं। इसके अंदर एक मस्जिद है जिसमें दो तलीय अष्टभुजी स्तंभ हैं। हिंदू साहित्य के अनुसार यह किला इंद्रप्रस्थ के स्थल पर है, जो पांडवों की विशाल राजधानी होती थी, जबकि इसका निर्माण अफगानी शासक शेरशाह सूरी ने कराया था, जिसने मुगल बादशाह हुमायूं से दिल्ली का सिंहासन छीन लिया था। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह हुमायूं की इस किले से एक के नीचे गिरने के कारण दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन किले को यमुना नदी के किनारे पर पांडवों द्वारा खोजा गया था, जो कि 5000 साल से भी अधिक पुराना है और महाभारत काल से पूर्व बना था। और शोधकर्ताओं ने तो इस बात की भी पुष्टि की है कि पुराना किला के चार दीवारी के अंदर इंद्रप्रस्थ नामक एक छोटा सा पुरवा था। ऐसा भी माना जाता है कि हुमायूं की राजधानी दीनपना भी यहीं स्थित थी, जिसे बाद में भारत के प्रथम अफगान शासक द्वारा जीर्णोद्धार करके शेरगढ़ नाम दिया गया। इसके साथ ही भारत के अंतिम हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू द्वारा 1556 ईस्वी में अकबर की सेनाओं को दिल्ली और आगरा में परास्त करने के बाद उनका राज तिलक इसी महल में हुआ था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि यह किला हुमायूं, शेरशाह और हेमचंद्र जैसे शासकों जिन्होंने यहां से शासन किया के लिए अशुभ था। और ऐसी कई अनकही बातें जानने के लिए देखते रहिए मेरे यानी दीपिका और नेहा के साथ कही अनकही बातें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।